नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक पे इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे हाइपरथायरॉइडिज्म के बारे में। आप लोग अक्सर टर्म सुनते होंगे हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपरथायरॉइडिज्म, इस तरह के टर्म्स। हम बात करेंगे हाइपरथायरॉइडिज्म के बारे में। हाइपरथायरॉइडिज्म साथियों आजकल बहुत कॉमन हो रहा है और बहुत मरीजों को हो रहा है, और यह ऐसा मर्ज है जो आपके बीएमआर को इतना हाई कर देता है कि पूरा एक जो बॉडी की टाइम क्लॉक होती है उसको तेज़ कर देता है। हर चीज़ आपकी जल्दी होने लगती है, जिससे आपको वेट लॉस से लेके वीकनेस से लेके गर्मी से लेके तमाम सिम्टम्स मैनिफेस्ट होते हैं। आज हम बताएंगे हाइपरथायरॉइडिज्म को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं, आपको सामान्य करने की समस्या से निकालने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म होता क्या है। हाइपरथायरॉइडिज्म आपके शरीर की वह स्थिति होती है जब आपके थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होने लगे, या यूँ कहें कि आपका थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट करने लगे। जब थायरॉक्सिन हार्मोन आपके शरीर में ज़्यादा सिक्रीट होती है तो आपके सारी एक्टिविटीज शरीर की बहुत तेज़ हो जाती हैं, वह कंडीशन ही हाइपरथायरॉइडिज्म होती है। हाइपरथायरॉइडिज्म के साथियों तमाम सिम्टम्स होते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वेट लॉस। आपका अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होने लगता है, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट की पाउंडिंग बढ़ जाती है, आपके हेयर्स थिन होने लगते हैं, आपको चिड़चिड़ा बनाने लगता है, आपका स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है, आपको नींद नहीं आती है, आप रेस्टलेस हो जाते हैं। इस तरह के तमाम सिम्टम होते हैं जो हाइपरथायरॉइडिज्म में प्रेजेंट होते हैं। एक साथियों सिम्टम जो कुछ लोगों के प्रोड्यूस होता है हाइपरथायरॉइडिज्म होने पे, वह है ग्रेव्स हाइपोथैलमी। ग्रेव्स हाइपोथैलमी तब होती है जब आपका आइस सॉकेट के बाहर प्रोट्रूड करने लगती हैं। यह उन लोगों के ज़्यादा होता है जो स्मोक करते हैं, तो यह कुछ सिम्टम होते हैं। इसके अलावा अन्य सिम्टम और भी होते हैं, जैसे आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, आपका बावल मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है, आपके एंजाइटी आ जाती है और वीकनेस बहुत आ जाती है। हाइपरथायरॉइडिज्म के साथियों कई सारे कॉज होते हैं, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट कॉज ग्रेव्स डिजीज़ होता है, प्लमर्स डिजीज़ होता है, थायरोडाइटिस होती है। नॉर्मली होता क्या है, हमारे बॉडी में जो ये हार्मोन बहुत मिनिमल सब्सटेंसेस होते हैं जो सिक्रीट होते हैं प्रोसेस को रेगुलर करने के लिए हमारे ग्लैंड्स द्वारा, तो ये T3 और T4 हार्मोन जो है यह थायराइड आपका सिक्रीट करता है, और यही डिटरमिन करते हैं आपके हर सेल में मेटाबॉलिज्म क्या होगा, फैट कितना एब्जॉर्व होगा, कार्बोहाइड्रेट किस पेस पे एब्जॉर्व होगा, बॉडी कैसे काम करेगा। जब इसका एक डिफरेंस आ जाता है तो यही जो है वह आपको हाइपरथायरॉइडिज्म को रिप्रेजेंट करता है। ग्रेव्स डिजीज साथियों तब होता है जब आपका खुद का ऑटोइम्यून सिस्टम आपके थायराइड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, और उसके कारण आपका थायराइड जो है वो ज़्यादा T4 सिक्रीट करने लगता है। जब T4 हार्मोन आपकी ज़्यादा सिक्रीट होने लगती है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के कारण, जब आपके वो थायराइड के सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, उस कंडीशन में जो ज़्यादा थायराइड हार्मोन सिक्रीट होती है T4 सिक्रीट होता है, वह स्थिति ही ग्रेव्स डिजीज को रिप्रेजेंट करती है और आपके बॉडी में थायराइड के लेवल को एलिवेट कर देती है। फिर एक साथियों दूसरा कॉज आता है जो है प्लमर्स डिजीज़ का। प्लमर्स डिजीज़ उस कंडीशन को कहते हैं कि जब आपको जो थायराइड ग्लैंड होता है उसके जो एडेनॉइड्स होते हैं, एडिनोमा होते हैं, वो कुछ एडिनोमा अलग हो जाते हैं वॉल के कारण, और वो सेपरेटली जो है एक अधिक क्वांटिटी में हार्मोन को थायरॉक्सिन को सिक्रीट करने लगते हैं, उस स्थिति को प्लमर डिजीज़ कहते हैं। यह एक कॉज होता है आपके हाइपरथायरॉइडिज्म का। और तीसरा कॉज होता है थायरोडाइटिस। जब किसी के प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद जो एक्स्ट्रा थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट होती है, वह जो है वह आपकी ब्लड स्ट्रीम में लीक कर जाती है, स्टोर होने के बजाय और धीरे धीरे रिलीज होने के बजाय वह आपके ब्लड स्ट्रीम में लीक कर जाती है, उस स्थिति को थायरोडाइटिस कहते हैं। तो यह तीन इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं, आपका ग्रेव्स डिजीज हो गया, प्लमर्स डिजीज हो गया और थायरोडाइटिस हो गया। ये तीन कॉज होते हैं आपके थायराइड के
ज़्यादा बढ़ने के, आपके ब्लड के कंसंट्रेशन में थायरोक्सिन हार्मोन के बढ़ने के। अब साथियों चलते हैं सफ़र पे, जिस पे आपको बताते हैं 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं आपके हाइपरथायरायडिज्म को ठीक करने के लिए। दवाएं बताने से पहले साथियों एक बार फिर हम आपको बता दें, यह दवाएं आपके एजुकेशन के लिए है, कोई भी दवा बिना किसी कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करें ना लीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट दवा साथियों जो कि होम्योपैथी में हाइपरथायरायडिज्म के लिए है वह है आयोडम। आयोडम बहुत कारगर दवा है होम्योपैथी में हाइपरथायरायडिज्म के लिए। जब आपका वेट लॉस बहुत तेज़ हो रहा हो, अचानक हो रहा हो और बहुत ज़्यादा हो रहा हो, डिस्पाइट इसके कि आप बहुत खा पी रहे हैं, तो अगर आप अचानक वेट लॉस अपने में देखते हैं और बहुत गर्म महसूस करते हैं और आपको हाइपरथायरायडिज्म है, आप बिल्कुल दुबले पतले हो चुके हैं, तो उस स्थिति में आपकी दवा आयोडम है। आप 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले लें, आप देखेंगे कि आपको फ़ायदा हुआ और आप वापस आपका वेट गेन होने लगा, आपकी वीकनेस ख़त्म होने लगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों हाइपरथायरायडिज्म में कि जब आपके एक्सोथॉर्मस हो जाता है, यानी कि आपकी आंखें प्रोट्रूड करने लगती हैं, आपको जो है बहुत डलनेस आने लगती है, अगर वह स्थिति आपके हाइपरथायरायडिज्म में हो तो उसको ठीक करने की बहुत कारगर दवा थायरोडिनम है। आप थायरोडिनम 3x पावर में एक एक टैबलेट दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपके एक्सोथॉर्मस यानी कि आँखें प्रोट्यूड होना उस तरह का सिम्टम आपके आ रहा है तो थायरोडिनम 3x आपको बहुत फ़ायदा देगी और आपके हाइपरथायरायडिज्म को भी ठीक करेगी। एक सिम्टम जो आपका हाइपरथायरायडिज्म में आता है वह है चिड़चिड़ापन, गुस्सा। तो अगर आपके हाइपरथायरायडिज्म में और मरीज को बहुत गुस्सा महसूस होता है तो उसको गुस्से को ठीक करने की, हाइपरथायरायडिज्म को ठीक करने की और आपको सामान्य स्थिति में लाने की होम्योपैथी में सबसे अच्छी दवा है नेट्रम्यूर। आप नेट्रम्यूर 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, नमक खाना आपको ज़्यादा पसंद है, आपका बदन इकहरा है और गर्दन आपकी थोड़ी सी पतली सुराही जैसी है, यह एक कॉन्स्टिट्यूशन का भी सिम्टम का भी होम्योपैथी में महत्व होता है, इसलिए हमने आपको सिम्टम बताया। तो उस स्थिति में आप अपने चिड़चिड़ेपन को दूर करने के लिए, गुस्से को कम करने के लिए और हाइपरथायरायडिज्म को ठीक करने के लिए नेट्रम्यूर 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। एक कंडीशन आती है साथियों हाइपरथायरायडिज्म में कि मरीज को गर्मी बहुत लगती है, तो अगर आपको गर्मी बहुत लग रही है और आपको हाइपरथायरायडिज्म है तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है लेकासिस, लेकासिस म्यूटा। इसका 1 mg पावर की 3 खुराक आप 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। यह बहुत कारगर दवा है जो आपको ठीक कर देगी। लेकासिस का पेशेंट नॉर्मली बहुत ज़्यादा बोलता है, उस मरीज़ की तकलीफ़ें रात में ज़्यादा बढ़ती हैं, यानी सोने के बाद ज़्यादा बढ़ती हैं और इस दवा को लेने पर आपके सारे सिम्टम्स में रिलीव होके आपका जो हाइपरथायरायडिज्म की कंडीशन है वह भी ठीक होने लगेगी। फिर एक स्थिति है साथियों हाइपरथायरायडिज्म के केस में कि कभी कभी मरीज को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, उसका वेट लॉस होता जाता है। अगर यह स्थिति आपको हाइपरथायरायडिज्म में है तो इस स्थिति को ठीक करने की और हाइपरथायरायडिज्म को ठीक करने की सबसे बढ़िया दवा आयोडम है। आप आयोडम 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका हाइपरथायरायडिज्म भी ठीक होने लगा और आपको जो भरपूर भोजन ग्रहण करने के बाद, भरपूर खाना खाने के बाद भी और भोजन की चाहत होती है वह, और उसके कारण वीकनेस तब भी आती रहती है, वह वीकनेस ख़त्म हो गई। आयोडम के मरीज जनरली बहुत गर्म होता है, यानी उसको बड़ी गर्मी हीट महसूस होती है। तो अगर आपको हाइपरथायरायडिज्म है और आपका बढ़िया खाना खाने के बाद भी, यानी भरपूर मात्रा में खाना खाने के बाद भी वेट लॉस हो रहा है, तो उस स्थिति को और हाइपरथायरायडिज्म को ठीक करने की सबसे कारगर दवा आयोडम है। फिर साथियों एक स्थिति आती है ख़ास तौर से हमारे घर महिलाओं में कि उनको हाइपरथायरायडिज्म हो गया है और उनका वेट गेन बहुत हो रहा है और उनको सख्त कब्ज बनी रहती है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की स्थिति है, आपका मरीज जो है वो फ्लैबी यानी बल्कि यानी भारीपन है और उसको हाइपरथायरायडिज्म है, तो उस महिला के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए होम्योपैथी में हाइपरथायरायडिज्म को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है ग्रेफाइटिस। अगर आपके यहाँ स्थिति है तो आप ग्रेफाइटिस 30 दो बूंद दिन में 3 बार ले सकती हैं। इस दवा लेने से आपके जो ओबेसिटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी,
आपका ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन भी खत्म हो जाएगा, यानी कब्ज खत्म हो जाएगी और आपका हाइपरथायरॉइडिज्म ठीक हो जाएगा। एक बहुत कॉमन कंडीशन जो आप देखते होंगे हाइपरथायरॉइडिज्म में कि हेयर फॉल, मरीज के बाल बहुत झड़ रहे हैं और उसको हाइपरथायरॉइडिज्म है। तो अगर आपके हाइपरथायरॉइडिज्म है और बाल झड़ने की कंडीशन साथ में है तो बाल झड़ने के रोकने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है फॉस्फोरस। आप फॉस्फोरस वगैरह की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके बाल झड़ना भी रुक गए और आपका हाइपरथायरॉइडिज्म भी ठीक होने लगा। फॉस्फोरस के पेशेंट की तकलीफ़ें शाम के वक्त बढ़ती हैं, उसे ठंडा चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद होता है और उसके शरीर में एक जलन ऐसी अंदर से होती है जैसे शरीर में आग लग गई है। तो ऐसी जो जलन का सेंसेशन होता है उसको ठीक करने की सबसे अच्छी दवा फॉस्फोरस है। एक स्थिति आती है साथियों हाइपरथायरॉइडिज्म में कि जब छोटा बच्चा जो होता है उसके लिए स्थिति आती है, वो बहुत छोटा बेबी है और उसका बॉडी बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट है यानी फूला हुआ है। यदि वह स्थिति है तो उसको भी ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है और दवा का नाम है लेपिस एल्बम। आप लेपिस एल्बा 32 बूंद दिन में 3 बार ले दे सकते हैं कि जब बहुत छोटा बच्चा हो और बहुत बल्कि हो और उसके हाइपरथायरॉइडिज्म हो तो लेपिस एल्बा आपके रेस्क्यू के लिए आएगी। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार देने पर यह आपको ठीक करेगी और आपको नॉर्मल कंडीशन में ला देगी। एक साथियों कंडीशन आती है जब आप डिप्रेशन में होते हैं और आपको हाइपरथायरॉइडिज्म होता है, यानी हाइपरथायरॉइडिज्म होता है और आप डिप्रेशन में होते हैं, तो अगर यह कंडीशन आपको अपने में दिखे तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कोनियम। आप कोनियम मैक्यूलेटम 1 mg/hr में 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। जब आपको डिप्रेशन की स्थिति और आपका थायराइड बढ़ा हुआ हो, रिपोर्ट में वो बढ़ा हुआ निकला हो और आपके हथेली से बहुत पसीना आता हो तो इन स्थितियों को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा कोनियम मैक्यूलेटम है। एक स्थिति या साथियों जब अपने यहाँ बच्चे बच्चियाँ होते हैं, जब वो प्यूबर्टी की एज पर आते हैं तो उनके वेट लॉस बहुत तेज होने लगता है, उनको हाइपरथायरॉइडिज्म हो जाता है। अगर वह स्थिति हो कि प्यूबर्टी की एज हो जिसमें कि आपका वेट लॉस तेज़ी से हो रहा हो और आपको हाइपरथायरॉइडिज्म हो गया हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा कैल्केरिया आयोडेटम है। आप कैल्केरिया आयोड 6x/hr में 2-2 गोली दिन में 3 बार ले सकते हैं। उस कंडीशन में जब आपके घर किसी बच्चे को प्यूबर्टी की एज के अराउंड पर हाइपरथायरॉइडिज्म हो रहा हो, उसको बहुत वीकनेस आ रही हो, उसका शरीर ना बन रहा हो जिसे कहते हैं, उसको एमेसिएशन की तरफ वो जा रहा हो। फिर एक कंडीशन आती है साथियों कि आपका वेट लॉस हो रहा हो और आपको हाइपरथायरॉइडिज्म हो, तो अगर आपको हाइपरथायरॉइडिज्म है और आपका वेट लॉस हो रहा है तो उस स्थिति को कंट्रोल करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा लाइकोपोडियम क्लेवेटम है। आप लाइकोपोडियम 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका हाइपरथायरॉइडिज्म के कारण होने वाला वेट लॉस भी रुकेगा और हाइपरथायरॉइडिज्म भी ठीक होगा। साथियों एक स्थिति आती है हाइपरथायरॉइडिज्म में कि जब आपकी धड़कन बढ़ने लगती है, आपको पैल्पिटेशन महसूस होने लगता है, उस स्थिति में हाइपरथायरॉइडिज्म को ठीक करने की बहुत कारगर होम्योपैथिक दवाएं हैं। पहली दवा है लाइकोपस वर्जिनिकस और दूसरी दवा है लोडम। लाइकोपस वर्जिनिकस उस स्थिति में हाइपरथायरॉइडिज्म को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है जब आपके नर्वसनेस से धड़कन बढ़ती हो। जब भी आपको एक नर्वसनेस की स्थिति आती हो, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती हो, अगर उस स्थिति में आपके पैल्पिटेशन हो रहे हैं तो उसको ठीक करने की दवा लाइकोपस वर्जिनिकस है। और एक दूसरी स्थिति आती है साथियों जब आपका जो पैल्पिटेशन होता है वो एग्जर्शन से बढ़ते हों। अगर आपका एग्जर्शन यानी कि थोड़ी भी खेचल पड़ी, थोड़ी भी मेहनत पड़ी तो आपके दिल की धड़कन बढ़ गई। अगर आपके यह स्थिति है तो इसकी बहुत कारगर दवा है इस स्थिति को ठीक करने की और हाइपरथायरॉइडिज्म को ठीक करने की लोडम। आप लोडम 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, आपका पैल्पिटेशन भी नॉर्मल हो जाएगा और आपका हाइपरथायरॉइडिज्म भी ठीक होगा। ये साथियों कुछ दवाएं थी हाइपरथायरॉइडिज्म के विषय में, हाइपरथायरॉइडिज्म को ठीक करने के विषय में, उसको कंट्रोल करने के विषय में। हम आपको फिर से बताना चाहेंगे कि कोई भी दवा बिना किसी कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिए, क्योंकि आपके हिसाब से कौन सी दवा मुफीद है आपके लिए यह चिकित्सक ही आपका केस लेने के बाद डिसाइड करेगा।
आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, तो आप YouTube नोटिफिकेशन पैनल में हमको क्वेश्चन लिख सकते हैं या हमारे WhatsApp नंबर 9415786 9415786380 पर आप WhatsApp कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको संतोषजनक जवाब मिले। इस बात पे माफ़ कीजिएगा कि हो सकता है आपको जवाब देने में वक्त लग सके जाए, क्योंकि आपके पास भी, मैं कहता हूँ, अगर रोज़ 10,000 मैसेज आ रहे हों तो शायद आप भी सबका जवाब तुरंत नहीं दे पाएंगे या रेलिवेंट लोगों का ही, रेलिवेंट क्वेश्चंस का ही जवाब दे पाएंगे। अगर साथियों आपको यह वीडियो लाभकारी लगा हो, समाज के लिए अच्छा लगा हो और आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करके हमारा सबसे नया वीडियो सबसे पहले पाते रहिएगा। आपका हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।